नमस्कार, पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आषाढ़ माह की अमावस्या इस साल 2 जुलाई को आ रही है। इस अमावस्या को फलहारिणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह अमावस्या मंगलवार के दिन आ रही है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इस दिन किए गए उपाय का लाभ शीघ्र ही मिल जाता है और जीवन से हर तकलीफ दूर हो जाती है। इसीलिए आप आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन यह बताए गए उपायों को जरूर करें। पहला उपाय, आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को खाना जरूर खिलाएं और यह काफी सुखफल देता है। इसीलिए आप इस दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाएं। इसके अलावा आषाढ़ मास की अमावस्या को पितरों की तिथि भी माना गया है और इस दिन भोजन को धूप या अगरबत्ती देना और कौवे को भोजन करवाना बहुत ज्यादा फलदायी होता है और पितरों से भी हमें आशीर्वाद मिलता है। दूसरा उपाय, इस दिन मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को खाना खिलाने से पाप एकदम समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। आप इस दिन सुबह स्नान कर ताज़ा भोजन बनाएं और इस भोजन का मंदिर में जाकर भोग लगाएं और फिर इस खाने को गरीब लोगों के बीच बांट दें। तीसरा उपाय, आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन आप तालाब या नदी में जाकर आटे की गोलियां मछली को खिला दें। यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चौथा उपाय, इस दिन घर में घी का दीपक जलाना काफी शुभ माना जाता है और ऐसा करने से शांति बनी रहती है। आप आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जला दें। इस दीपक में आप रुई की जगह लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें और इस दीपक के अंदर काली मिर्च भी डाल दें। यह उपाय करने से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी। पांचवा उपाय, अमावस्या के दिन स्नान करने वाले पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और इस पानी से स्नान करें। इसके बाद आप इस दिन किसी पवित्र नदी में डुबकी भी लगा सकते हैं, यह भी काफी शुभ माना जाता है और ऐसा करने से सारे पापों से आपको निजात मिल जाता है। छठा उपाय, आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन आप चींटियों को शक्कर या गुड़ खिला दें। इस दिन यह उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। सातवां उपाय, आषाढ़ मास अमावस्या के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां पर हनुमान जी को चोला चढ़ा दें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक चमेली के तेल का दीपक भी जला दें और दीपक जलाकर अपने मन में मनोकामनाएं बोल दें। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।